सेलियंट फीचर्स ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम फाइव किंगडम सिस्टम के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं इनके बारे में हम बात करेंगे फाइव किंगडम सिस्टम सेलियंट सेलियंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट दिस इज नॉट साइलेंट दिस इज द सेलियंट तो पहला फीचर देखिएगा जरा पंचाई आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई के लिए एक अलग किंगडम ही बना दिया गया फाइव किंगडम सिस्टम में इसके पहले के सिस्टम आप देखिए फोर किंगडम को देखिए थ्री किंगडम को देखिए कहीं पर भी फोर किंगडम में फंजाई नहीं अलग थ्री किंगडम में फंजाई अलग नहीं है टू किंगडम में तो कुल प्लांटी और एनिमेलिया था और फंजाई प्लांटी के अंदर था लेकिन पहली बार फाइव किंगडम सिस्टम में जो फंजाई है उसको अलग किंगडम में रखा गया यह एक इंपॉर्टेंट फीचर है फाइव किंगडम सिस्टम के लिए दूसरी चीज और क्या क्या चेंजेस हुए नंबर टू अगर आप यहां पर टू किंगडम सिस्टम से थोड़ा सा कंपेयर करिए ठीक है टू किंगडम सिस्टम में अगर देखिए आप तो टू किंगडम सिस्टम में अगर आपसे मैं पूछूं कि क्लेमाइडोमोनास ध्यान से सुनिएगा क्लेमाइडोमोनास टू किंगडम सिस्टम में कहां पर होगा क्लेमाइडोमोनास टू किंगडम सिस्टम में लिनियस ने इसको कहां पर रखा होगा क्लेमाइडोमोनास को लिनियस ने कहां पर रखा प्लांटी के अंदर क्यों क्योंकि सेलवाल प्रेजेंट थी इसलिए टू किंगडम सिस्टम में सेलवाल ही आधार था तो क्लेमाइडोमोनास प्लांटी में था क्योंकि सेलवाल थी अगर मैं पूछूं कि टू किंगडम सिस्टम में अमीबा कहां पर था अमीबा कहां पर था तो अमीबा में सलवाल नहीं इसलिए लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम में अमीबा को कहां पर रखा किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा ये क्लेमाइडोमोनास और अमीबा टू किंगडम सिस्टम में अलग अलग किंगडम में हुआ करते थे ये टू किंगडम सिस्टम की बात हो रही ठीक है टू किंगडम सिस्टम टू किंगडम सिस्टम अब अगर हम फाइव किंगडम सिस्टम की बात करें ठीक है फाइव किंगडम सिस्टम अगर फाइव किंगडम सिस्टम की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि फाइव किंगडम सिस्टम में क्लेम आइडोमोनास कहां पर है फाइव किंगडम सिस्टम में जो क्ले माइडोमोनास है दिस क्ले क्लेमाइडोमोनास ये किस किंगडम में दिस क्लेमाइडोमोनास इन द किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा और ये अमीबा कहां है ये भी प्रोटिस्टा के अंदर ही है ये भी प्रोटिस्टा के अंदर तो जो ऑर्गेनिज्म सुनिएगा टू किंगडम सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग किंगडम में थे क्लेमाइडोमोनास प्लांटी में था अमीबा एनीमेलिया में था फाइव किंगडम में वो एक ही किंगडम के अंदर आ गए क्यों आ गए बिकॉज क्राइटेरिया फॉर क्लासीफिकेशन बीन चेंज क्योंकि क्राइटेरिया बदल गया पहले का क्राइटेरिया सेलवाल था क्लेमाइडोमोनास में सेलवाल थी इसलिए प्लांटी में था अमीबा में नहीं थी इसलिए एनीमेलिया में था यहां पर चेंज हुआ क्राइटेरिया में दोनों को क्यों रखा गया क्योंकि दोनों ही यूनिसेलर हैं और यूकैरियोट हैं दोनों यूनिसेलर हैं और यूकैरियोट हैं इसलिए फाइव किंगडम सिस्टम में दोनों एक साथ आ गए तो फाइव किंगडम सिस्टम में वो ऑर्गेनिज्म एक साथ आ गए जो पहले अलग अलग थे यह एक्सेलेंट फीचर है इसका तीसरा देखो और क्या खास बात है यहां पर अगर आप टू किंगडम की बात करें टू किंगडम सिस्टम टू किंगडम सिस्टम टू किंगडम सिस्टम में अगर मैं आपसे पूछूं, है ना कि क्ले माइडोमोनास क्ले माइडोमोनास किस किंगडम में तो आप क्या बताओगे टू किंगडम सिस्टम की बात करें क्ले माइडोमोनास कहां पर होगा प्लांटी के अंदर पूछू यूलोथ्रिक्स कहां पर होगा यूलोथ्रिक्स कहां पर होगा प्लांटी के अंदर क्यों क्योंकि तो क्लेम आइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों के पास क्या है सेल वॉल है इसलिए दोनों ही प्लांटी के अंदर अब आ जाते हैं फाइव किंगडम सिस्टम में फाइव किंगडम सिस्टम फाइव किंगडम सिस्टम में आ जाते हैं वाइप किंगडम सिस्टम में जो क्लेमाइडोमोनास है जो कि एक सेल का बना है इसलिए क्लेमाइडोमोनास दिस क्ले माइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास कहां चला गया क्लेमाइडोमोनास चला गया प्रोटिस्टा के अंदर क्यों क्योंकि यूनिसेलर यूकैरियोट इसलिए प्रोटिस्टा में चला गया और जो यूलोथ्रिक्स है जो यूलोथ्रिक्स है इस यूलोथ्रिक्स को जो यूलोथ्रिक्स है यह प्लांटी के अंदर ही रहा यह प्लांटी के अंदर रहा कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिज्म टू किंगडम सिस्टम में अलग अलग किंगडम में थे वो फाइव किंगडम सिस्टम में एक ही किंगडम के अंदर आ गए और टू किंगडम में जो एक ही किंगडम के अंदर थे वो अलग अलग किंगडम के अंदर प्लेस कर दिए गए ये सब परिवर्तन क्यों हो रहे हैं ये सब चेंज क्यों हो रहे हैं क्योंकि क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का चेंज हो चुका है और क्राइटेरिया बदलने की वजह से इस तरह के चेंज हो रहे हैं और फ्यूचर में भी इस तरह के चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे इस तरह के चेंज हमें फ्यूचर में भी दिखाई देंगे ठीक फ्यूचर में भी दिखाई देंगे अब बात करते हैं यहां पर जो ड्रॉबैक्स हैं जो लिमिटेशन है उनके बारे में बात करते हैं क्या क्या कमी रह गई उनके बारे में बात कर लेते हैं एक चीज और समझ लेते हैं कि प्लांट प्लांटी एंड एनिमेलिया प्लांटी एंड एनिमेलिया आर मोर होमोजिनस मोर होमोजिनस देन टू किंगडम सिस्टम ध्यान समझिएगा इसको यानी टू किंगडम सिस्टम की तुलना में जो फाइव किंगडम सिस्टम में प्लांटी और एनिमेलिया हो ज्यादा होमोज़िनस हो गए। होमोजिनस का मतलब जहां पर फीचर एक जैसे हो जैसे अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी किंगडम टू किंगडम सिस्टम में या फाइव में कहां पर है ये दोनों जगह लेकिन अगर फाइव किंगडम सिस्टम में प्लांटी की बात करें तो फाइव किंगडम सिस्टम में प्लांटी के अंदर केवल पांच चीजें आएंगी एलगी ब्रायोफाइट्स एलगी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स ये पांच चीजें आएंगी जबकि लिनियस के प्लांटी में आठ चीजें थी उसमें बैक्टीरिया भी था साइनो भी था फंजाई भी था और एलगी भी जो यहां पर है एलगी भी कैसे केवल मल्टी क्योंकि यूनिसेलर एलगी क्लेमाइडोमोनास कुलरेला को तो हटा के प्रोटिस्टा में भेज दिया गया तो केवल प्लांटी में मल्टी सेलर एलगी बची ब्रायोफाइट बचे टेरिडो बचे जिम्नो बचे एनजीओ बचे ये सभी अगर मैं इन सबके बारे में लिखूं तो मैं कह सकता हूं ये सारे यू हैं सारे यूकैरियोट हैं, सारे मल्टीसेलर हैं सारे मल्टी सेलर हैं है और सारे ऑटोट्रॉफिक हैं सारे ऑटोट्रॉफिक हैं। आर एच विटेकर के प्लांटी किंगडम में सारे यूकैरियोट हैं, सारे मल्टी सेलर हैं सारे ऑटोट्रॉफिक हैं। जबकि लिनियस के टू किंगडम में प्लांटी के साथ ऐसा नहीं था लिनियस के टू किंगडम में प्लांटी में कुछ यूकैरियोट थे प्रोकैरियोट भी थे यूनिसलर भी थे मल्टी भी थे ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक थे यानी लिनियस का जो प्लांटी था वो हेट्रोजीनस था उसमें अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म थे लेकिन आर एच विटेकर का प्लांटी ग्रुप होमोजीनस है क्योंकि इसके अंदर केवल एक जैसे कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म है केवल यूकैरियोट केवल मल्टी केवल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जबकि लिनियस के प्लांटी में यूकैरियोट के साथ प्रोकैरियोट भी थे मल्टी के साथ यूनिसेलर भी थे और आटोट्रॉफिक के साथ हेट्रोट्रॉफिक भी थे क्लियर तो यह बहुत ही आसान सी चीज है यह भी एक यहां पर आप कह सकते हैं सेलियंट फीचर है फाइव किंगडम सिस्टम का